क्या आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की आशंका होने लगी है कि देर सवे परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात का डर उन्हें सताने लगा है कि वो जेल जा सकते हैं। ऐसी आशंका केजरीवाल ने 31 अक्टूबर को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वें नेशनल काउंसिल की बैठक के दौरान कहा। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में केजरीवाल ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। इसी बैठक में केजरीवाल ने कहा, पिछले 12 सालों से आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। हमने वो करके दिखाया है जो 75 सालों में दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं, वो हमारे हीरो हैं, हमें उन पर गर्व है। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज करने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। दरअसल जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात केजरीवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला के मामले में ईडी उनसे पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल किसी न किसी बहाने ईडी के इस नोटिस को नज़रअंदाज करते रहे हैं। जब पहली बार उन्हें 2 नवंबर को हाजिर होने को कहा गया था तो उन्होंने इसे गैर कानूनी नोटिस बताते हुए ईडी के सामने आने से मना कर दिया। दूसरी बार जब उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो आम आदमी पार्टी ने इस समन को राजनीति से प्रेरित बताया और 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना हो गए। ईडी के नोटिस को बार बार टालने की वजह से उन्हें तीसरी बार ईडी ने नोटिस भेजा है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 नेताओं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईडी का दावा है कि शराब नीति के माध्यम से शराब डीलर्स को आर्थिक फायदा पहुंचाया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती रही है और कहती रही है कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रही है। हालांकि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता भी ये जानते हैं कि वे ज्यादा दिनों तक ईडी के नोटिस को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।